हेलो फ्रेंड्स, सो एक क्वेश्चन और हम कंटिन्यू करेंगे टीजीटी पीजीटी के जो लास्ट ईयर के हुए क्वेश्चंस हैं। टॉपिक, करेंट टॉपिक जो चल रहा है, डिफरेंसिबिलिटी एंड क्वांटिटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। ये क्वेश्चन मैंने टीजीटी का लिया है फ्रेंड्स। अगर मैं सही हूँ तो ये राजस्थान टीजीटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूँ तो ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको बार बार मोटिवेट करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं, अगर ग्राफ्स पे आपका कमांड है तो फिर आप जो कैलकुलस के जो क्वेश्चंस हैं, खास करके डिफरेंशियल कैलकुलस, उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। उसका ये एक एग्जांपल है, ग्राफिकली अगर आप किसी चीज़ को, कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ग्राफिकली आप लिमिट बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, इवन आप डेफिनेट इंटीग्रेशन तक निकाल सकते हैं ग्राफ से। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक ये फंक्शन है। अगर आप देखें, अगर ग्राफ में एक्सपर्ट हैं तो विद इन सेकेंड्स जो है इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। एनीवेज, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x mod x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल विल बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमाया। नॉर्मली क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि डिफरेंशिएबल है किन किन पॉइंट्स में या कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। यहाँ पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब दो बार आपको टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां जहां पे ये फंक्शन दो दो बार मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको करना क्या है, वो पॉइंट्स निकाल लीजिए जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और उन पॉइंट्स को हटा दीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो पहले तो फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। फंक्शन का जो मैं आपको बोल रहा हूँ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, पहले फंक्शन लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो देखिए, पहले तो मॉड एक्स की प्रॉपर्टी आप देखें। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये फंक्शन है, तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन ये x होता है और माइनस x, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और जब x जो है निगेटिव रियल नंबर आप लेते हैं। तो मॉड x का जो फंक्शन है वो एक्चुअल ये फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी यहां पे यूज करना है। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन है, यहां पे fx दिया है तो मैं gx लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाता हूं एक्चुअल फंक्शन जो मेरा एफ एक्स है उसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालते हैं। तो जो एफ एक्स दिया हुआ है, यह है क्या, एक्स मॉड एक्स। ठीक है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्स मॉड एक्स, अब मॉड एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ से आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और एक्स इंटू माइनस एक्स, जब एक्स जो है निगेटिव है। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये माइनस x स्क्वायर, जब x जो है निगेटिव है। तो ये जो एक्चुअल फंक्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये अगर आप देखें तो पैराबोलिक टाइप का फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, इसका ग्राफ बहुत आसान है, अगर आप ग्राफ खींच लेते हैं तो बहुत इजिली कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये मेरा x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक, अब आते हैं, जब x जीरो है या पॉजिटिव है, मतलब जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी की तरफ जब मूव करेंगे, तब तक जो है ये x स्क्वायर है। x स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स आपका पैराबोला होता है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ऐसे। ठीक है, और माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे जब x निगेटिव है तो ये माइनस x स्क्वायर है, तो माइनस x स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, इसी का x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ मैंने खींचा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैराबोलास है, ये भी पैराबोला है y इक्वल टू x स्क्वायर वाला पैराबोला है, और ये मेरा पैराबोला है y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ अभी नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x स्क्वायर का पोर्शन है मतलब इतना, और लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का पोर्शन है वो ये पोर्शन है। ठीक है ना, ऐसे। तो क्या होगा, एक्चुअल ग्राफ जो मेरा होगा वो देखिए, यहाँ तक इसका पोर्शन
और उसके बाद जो है ये पोर्शन मेरा आ गया, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल जो आपको डॉटेड लाइन को छोड़ना पड़ेगा, अब डॉटेड लाइन में हटा दिया, ग्राफ आपको अगर खींचना है तो कैसे खींचेंगे वो एक मैं आइडिया आपको दे रहा था, अब ये पोर्शन में हटा दिया, जो एक्चुअल ग्राफ आपका दिखेगा, जो फंक्शन है मेरा उसका ग्राफ ये है, ठीक है ना, उसका ग्राफ ये है। ये क्या है एक्चुअल जो फंक्शन है वाइज कल टू एक्स मॉड एक्स का पूरे रियल नंबर्स पे, ये इसका ग्राफ है मेरा, ठीक है ना। अब आप देखिए ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, डिफरेंसिबिलिटी की बात कर रहा है तो फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करिए, और दो ही केसेस में फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्या पहली कंडीशन, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में गैप हो या ब्रेक हो, ठीक है ना, जैसे मॉड सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन अगर आप देखें तो वहां पे हर इंटीजर पे जंप होता है या गैप होता है, तो उस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या फिर किसी भी पॉइंट पे अगर एज बने, शार्प एज इस तरह का शेप बने, अगर ये पॉइंट मैं ले रहा हूं तो इस तरह का एज बने, शार्प एज ये शेप बने, तो उस केस में भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मॉड एक्स अगर आप खींचे होंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये एज बनता है, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अब इसके अलावा हर जगह, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे गैप है क्या, नहीं, और क्या कहीं पे एज बन रहा है शार्प एज, नहीं, दैट मीन्स क्या हुआ ये फंक्शन यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हर जगह एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शन हर जगह पूरे रियल लाइन पे जो है डिफरेंशिएबल है। तो अगर इस फंक्शन के बारे में केवल ये पूछता कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स बताओ जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है केवल एक बार, वन टाइम, तो उस केस में पूरे रियल नंबर पे होता तो इसका आंसर जो होता ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, f डैश x पहले निकाल लीजिए, f डैश x क्या होगा, मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, x ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये 2x आएगा, ये -2x आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x नेगेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यहां पे अब आते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें चेक करना है। अब इस फंक्शन का ये f डैश x है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएबल ना, तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल ओरिजिनल फंक्शन, मतलब ये फंक्शन किन-किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, f डैश x किन-किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। अब इसका भी ग्राफ आप खींच सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन y = 2x तो कुछ ऐसे ही जाता है, आपको पता है, और y = -2x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे आता है। आप देखिए y = -2x का ग्राफ ऐसे आता है, अगेन जैसे यहां पे हमने खींचा था ये पूरा ग्राफ नहीं होगा, यहां पे जब x greater than or equal to 0 है y = 2x का पोर्शन लेना है, सो मतलब मुझे यहां तक ये चाहिए, और जब x नेगेटिव है तो -2x चाहिए, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इरेज कर दिया, अब आप देख लीजिए ये ओरिजिन है मेरा। अब यहां पे ये एज बन रहा है कि नहीं, मैंने आपको बोला था एज शेप नहीं बनना चाहिए, तो x = 0 पे ये एज बन रहा है, और एज बन रहा है मतलब इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है f डैश x वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और f डैश x अगर ये डिफरेंशिएबल x = 0 पे नहीं है, दैट मींस क्या हुआ f जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल इस पॉइंट x = 0 पे नहीं है, दैट मींस क्या हुआ। और देखिए एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर 0 को छोड़ दो तो कहीं पे गैप नहीं है, कहीं पे एज नहीं बन रहा है, तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है हर एक रियल नंबर पे, बस केवल और केवल 0 को छोड़ दो, तो ये ओरिजिनल फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, पूरे रियल नंबर उसमें से आपको सिंगलटन 0 हटा देना है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ऑप्शन पे आते हैं फ्रेंड्स, मतलब आंसर क्या हुआ, ये फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है एक्सेप्ट केवल एक पॉइंट 0 पे। अब ऑप्शन पे देखें तो इंटरवल फॉर्म में दिया है, तो इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिख देता हूं। रियल नंबर क्या होता है आपका, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अब यहां पे क्यों 0 हटाना है, तो इंटरवल फॉर्म में आप लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन कर दीजिए, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में फ्रेंड्स ये फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ऑप्शन में मैच करते हैं। ये पूरा पूरा रियल नंबर दिया ये तो गया, ये क्लोज 0 इंफिनिटी दिया ये भी गया, ये भी गया, और देखिए ये आंसर जो है यहां से मैच कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन बी आपका सही हुआ।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, जो कि आप थ्योरेटिकली भी जाके कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। आप डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे जीरो पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वहां पे आप चेक करेंगे, तो आपको समय लगेगा, हमें समय बताना है। टाइम सेविंग हमारा मेन मोटिव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी टीजीटी, तो वहां पे फ्रेंड्स आपको टाइम सेव करना है, और टाइम सेव करने के लिए हमें ग्राफिकली जाना पड़ेगा। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये जो मेरा मोटिव था कि ग्राफ से कैसे आप कैलकुलस के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में, जहां पे फिर से मैं ग्राफिकली कोई क्वेश्चन उठाऊंगा जहां से ग्राफिकली आप क्विकली कर सकते हैं। अदरवाइज आपका होमवर्क है, इसी क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकली जाएंगे, तो आपको पता है फंक्शन का डिफिनेशन जिन पॉइंट्स पे चेक होता है, सॉरी चेंज होता है फंक्शन का डिफिनेशन, उन्हीं पॉइंट्स पे थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी हो या डिफरेंसिबिलिटी हम चेक करते हैं। तो आपको fx का पहले जीरो पे चेक करना था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाता। फिर f'x का आपको चेक करना था जीरो पे, जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे देखेंगे, आप करके देखिएगा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप निकाल के चेक करिएगा, वो आपका आपके लिए होमवर्क है। लेकिन ग्राफिकली विद इन सेकेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब भी मेरे ख्याल से 10 मिनट्स के अंदर इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया खूब आराम से प्रॉपर तरीके से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी पे एक क्वेश्चन लेके, जिसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। बट इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं बोलूँ कि आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पीजीटी टीजीटी के लिए हम चूज करें, जहाँ से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। आप कमेंट करें, जिस मतलब कमेंट बेसिस पे जो मेजॉरिटी होगा जिस टॉपिक का, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्टली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर आप शेयर करें फ्रेंड्स। सो होपफुली फ्रेंड्स, जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुँच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच।